स्टार प्लस के पॉपुलर शो झनक में देखने को मिलेगा कि कैसे अनी की बिगड़ती हुई तबीयत को लेकर पूरा परिवार टेंस्ड होगा। वहीं अर्शी और झनक भी अपने पार्ट पर जो हो पाएगा वो करने की कोशिश करते दिखेंगे। झनक को तो पहले अनी तक पहुंचने के लिए कई मुश्किलों को पार करना होगा, जिसमें से एक है तेजस, जो कि झनक की बस को रोक देगा, जिसके बाद झनक यहाँ पर पुलिस की मदद लेगी और बताएगी कि किस तरह से तेजस उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है और कैसे वो अकेले ट्रैवल कर रही थी और तेजस उसका पति नहीं है। झनक यहाँ पर पुलिस को हर चीज समझाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस टाइम पर उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अनी है और उस तक पहुँचना ही उसका मकसद है, चाहे फिर तेजस जैसा शैतान ही उसके रास्ते में क्यों ना हो। यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, क्योंकि जल्दी ही झनक और अनी की शादी का सच सभी के सामने आ जाएगा। एक नया प्रोमो आउट हुआ है जिसमें देखने को मिल रहा है कि अर्शी पहुंच गई है मंदिर में अनी के लिए प्रार्थना करने। वहीं झनक भी उसी मंदिर में पहुंच चुकी है और वो पंडित जी से कहती है कि उसे किसी की जान बचानी है और इसीलिए उसे पूजा करनी है। और पंडित जी कहते हैं कि उसने सिंदूर लगाया हुआ है, क्या वो अपने पति की बात कर रही है। वहीं अर्शी खड़ी होती है और उसी टाइम पर झनक बोल देती है कि हाँ, उसके पति का नाम अनिरुद्ध है और उसके लिए उसे पूजा करनी है, और ये सब कुछ अर्शी सुन लेती है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अर्शी इसके बाद क्या स्टेप लेगी, क्या ये सच्चाई वो सबसे छुपाए रखेगी, और अनिरुद्ध की हालत में सुधार आएगा और कितने वक्त में आएगा, और क्या वो झनक को माफ कर पाएगा, क्योंकि पास्ट में झनक ने उससे इतनी बुरी तरह से बात की थी।